मुख फेर लिया है, क्या हुआ है तेरू? कहो का फूली है। ये क्या है? पता नहीं, हमका लागे रात पई हो ना। क्या? हां नहीं कुछ कहो के ना दे, पता नहीं कहो। हम नहीं जाए। ये आज क्या बात है कि तुम मुझसे मुख फेर लिया है? किसी ने कुछ कहा है? अरे जब भी मैं आता था तो तुम हंसकर बोले, अपने सीने से लगाते थे। और आज बात क्या है जो इस कदर तुम मुझसे रुक कर बैठी हुई? अगर इसने तुम्हें कुछ कहा हो तो बोलो, मैं से रामचंद्र की खाल भी करूंगा। बोलो मैं जानू तो फालतू है, हम तो कौन सा तुम्हारा मेरा कुछ कहा था? कहे भूली है। बात क्या है, आज तो मुझसे तुम नाराज हो? क्या मुझसे कोई भूल हुई है जो तुम मुझसे नाराज हो गई हो? बोलो क्या रहा? ये बताइए, मैं आपकी पति नौकरानी हूँ। ये तुम ये क्या कह रही हो? अरे तुम मेरी पत्नी हो, कल कहता है कि तुम नौकरानी हो। और पत्नी पति का आधा अंग होती है, तो बात ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? बोलो क्या हुआ? आप ही नहीं, सब लोग मुझे समझते हो नौकरानी। ये कौन तुम्हें नौकरानी समझता है? लेकिन आप ही समझते हो नौकरानी। नहीं प्रिय, ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें नौकरानी नहीं, तो मेरी पत्नी हो। ऐसा कौन कहता है कि तुम नौकरानी हो? बात क्या हुई है? Oh!
के अंदर मैं खाना बना के सुन रही हूँ, अगर आपने कुछ भी कहा ना तो मैं अपने बैठे चल जाऊंगा, और तुम लोग कुछ बोले तो वह छाने होता ऊंची सीधे वाले आज तुम्हें क्या हो गया है तो तुम इस तरह आज बातें कर रही हो कि पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाओगी। अरे प्रिय सोचिए, अगर तुम नहीं बनाओगी तो फिर भोजन कौन बनाएगा? माँ है वो अंधी है, बहन है वो अभी छोटी है, और तुम कह रही हो कि मैं पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाऊंगा। अरे प्रिय सोचिए कि बहू का धर्म होता है कि माँ बाप की सेवा करना, और तुम आज ऐसी बहकी बातें कर रही हो, तुम्हें किसी ने बहकाया है क्या? लगता है किसी ने बहका दिया है। कोई छोटी सी बच्ची नहीं देखने को समझा देगा तुम। और हाँ, मान लीजिए तुम्हारी माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबू जी को दिखाई देता, वो कोई काम नहीं कर सकती है? अपने हाथ से लोटा पानी नहीं ले सकती है? दोस्त से मिलने के लिए तो देश विदेश चले जाते हैं, अरे यार तुम सोचो, तुम इस घर की बहू हो, तुम इस घर की बहू हो। अच्छा, और बहू का धर्म क्या होता है जानती हो? अभी तक तो बहू का ही धर्म निभा रही थी, लेकिन सब लोग नौकरानी से भरते हो है, वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके आता कोई काम नहीं कर सकता, सारा दिन भूखा रहता। देखो चंदा, अगर तुम इस तरह क्रोध करोगी तो समझ लीजिए इस परिवार का विनाश हो जाएगा, और क्रोध अक्ल को खा जाता है, इसलिए हम तुम्हें समझाते हैं कि क्रोध को छोड़ दीजिए और चल कर भोजन तैयार करिए। जिस तरह मुझे समझा रहे उसी तरह भी लोगों को समझा दो कि कम से कम काम तो उस तरह दिया करें। अरे वो लोग काम करने के लिए है, उम्र उनकी क्या हो गई है, और तुम कहते हो काम करो। भाई जो कर सकता है तुम्हारी बहन तो कर सकती है। खन में राशन नहीं है क्या? खाने जगह में मेरी रात को मानो तो गुस्से को ठोक दो, और फिर रही बात थोड़े दिनों की है, हम तो जब प्रेमर की पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो हम उसे शादी कर देंगे, बहू आएगी तुम्हारा हाथ बिठाएगी, तो क्यों परेशान होती है? तो जमाना नहीं रहा, प्रेमर की शादी कर रही है, उसकी बहू आए यहाँ जरूरी नौकरानी बंद कर रहे हैं, तो जमाना वो मेरा भाई है, जो मैं कहूंगा वही करेगा। वो जमाना बदल कर रहा हूँ, मेरा तो कहो लगे हो जाए, तो भाई का हम शेखपाल के सयान की ना दो महीना वो मेरा लू आए अब परसों अलग हो। अच्छा हुआ, वो तो अच्छा हुआ जो अलग हो गया, फिर तो नियत का खोटा है हराम खोर। अरे तोहरो भाई अलग हो गए क्या करिए? चंदा देखिए मैं जा रहा हूँ खेतों की तरफ, क्योंकि बहुत से मजदूर खेतों में लगे हुए हैं, और मैं जा रहा हूँ वापस आऊं तो मुझे भोजन बना मिलना चाहिए। चंदा अभी हमने प्यार देखा है, क्रोध नहीं, और कहीं क्रोध की ज्वाला फड़ गई तो याद रखो चंदा, ये 9 नंबर के झूठे हैं, सलीब के भाव के मारूंगा, सर के बाल जमीन पर आ जाएंगे। इसे अभी भी तुम्हें हम समझाते हैं कि चल करके भोजन तैयार करना। जा रहा हूं वापस आऊ तब भोजन बना मिलना चाहिए, याद रखना
तेरे चेहरे पर नशा पिला दूंगा।